नमस्कार दोस्तों, मैट की सीरीज के इस थर्ड डिस्कशन में हम अपने बुक प्रॉफिट के पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं अब कुछ फर्दर और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूं मैट से रिलेटेड डिस्कशन में। पिछली बार हमने अपनी पिछली सीरीज में डिस्कशन किया सर कि मैट की कैलकुलेशन में इनकम टैक्स पेड पेबल प्रोविजन देयर ऑफ को जोड़ना है, यदि कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है उसको भी जोड़ना है, इसी प्रकार से यदि कोई हमने प्रोविजन है और असर्टेन लायबिलिटी है तो नहीं जोड़ना है, अनअसर्टेन है तो हमको जोड़ना है। अब एक और व्यापक डिस्कशन सर जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है वो क्या है, क्या मैट अदर सोर्सेस की इनकम जैसे कैपिटल गेन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और इसी प्रकार से कैपिटल गेन की इनकम पर भी लगता है क्या? जो भी आपने P&L में क्रेडिट डेबिट किया है वो सब मैट के परव्यू में आ गया, यानी आपने इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई तो आपने उसे P&L में कहीं ना कहीं दिखाया होगा, यानी उस पर मैट लग गया। एक मजेदार केस हुआ सर ऐसा ही कि एग्रीकल्चर लैंड बेची जो कि कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाती अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और कंपनी ने उस एग्रीकल्चर लैंड के बेचने को अपने P&L में क्रेडिट दिखा दिया इन्वेस्टमेंट सेल से हुए रियलाइजेशन और उनसे हुआ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन आया सर क्या इस पर मैट लगेगा क्या? अब लिस्ट एक्सक्लूसिव है तो एक बार के लिए बाय डिफॉल्ट मैट अट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ऐसे कह देना कि साहब इसके ऊपर मैट लगेगा। मुझे लगता है सर व्हाट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन शुड नॉट बी टैक्स अंडर द मैट इवन। फॉर एग्जांपल सेक्शन 10 की आय पर स्पेसिफिकली मैट नहीं लगता क्योंकि मैट की लिस्ट में बोला है 10 से रिलेटेड खर्चे जोड़िए, 10 से रिलेटेड इनकम घटाइए, यानी 10 पर मैट नहीं लगता। तो ऐसी कोई रसीद सर जो इनकम टैक्स के स्कोप में ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, वो मैट से बाहर है लेकिन उसके लिए 10 एक है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के बिकने पर हुआ कैपिटल गेन ये सेक्शन 10 से एग्जम्प्ट नहीं है। ये तो इसलिए एग्जम्प्ट है क्योंकि 2 क्लॉज 14 में रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो थोड़ा सा सर ये मामला फ्री फ्रॉम डाउट नहीं है, लेकिन जनरल ओपिनियन ये रहनी चाहिए मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर हुआ कैपिटल गेन किसी भी सूरत में मैट के अंबिट में नहीं आना चाहिए। चलिए मैं इस पर ज्यादा विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। अब अगला पॉइंट, लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है सर 10 से रिलेटेड खर्चे घटाइए जोड़िए, सॉरी 10 से रिलेटेड खर्चे जोड़िए, 10 की इनकम घटाइए, लेकिन बोला 10-38 पर ये ट्रीटमेंट ना करिए। हालांकि 10-38 अब चला गया सर, इस असेसमेंट ईयर 2019-20 से आप देखेंगे कि 10-38 का कॉन्सेप्ट खत्म है, लेकिन अगर आप पिछले साल की कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर 18-19 में कर रहे हैं तो 10-38 के खर्चों को जोड़ना है यानी लॉसेस को जोड़ना है और 10-38 की इनकम को घटाना है, ये इंटरप्रिटेशन नहीं ली जा सकती। इट मीन्स व्हाट, 10-38 के यदि लॉसेज हैं तो लेट देम रिमेन एज सच, ऐसे ही 10-38 की यदि इनकम है गेन्स हैं उनको रहने दीजिए P&L में, यानी उनके ऊपर मैट लगेगा। तो ऐसे ही सर 111A की इनकम यदि है यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT बेस्ड ट्रांजेक्शन, उस पर भी सर मैट लगेगा। तो अन्य लॉन्ग टर्म गेन पर भी सर मैट लगेगा। किसी ने मेरे से पूछा भटिया जी वो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नया आ गया वो कंपनीज पर भी लागू है, क्या उसके ऊपर भी मैट लगेगा क्या? मेरा फिर वही आंसर है सर, यदि आपने 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो कि एक फिक्शन है उसको बुक्स में कोई वैल्यू दी है P&L में तो सर मैट लग जाएगा। यदि आपने उसको बुक्स में जगह ही नहीं दी तो फिर मैट नहीं लगना चाहिए। हाँ, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 पर मैट लगेगा, लेकिन मैट कंप्यूटेशन में सर 56 टू 10 पर मैट लगने की मुझे जरूरत प्रतीत नहीं होती। इसके साथ साथ सर एक और पॉइंट जो मैट में बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आता है वो है सर डेप्रिशिएशन का। लॉ कहता है कि डेप्रिशिएशन जोड़ दो और डेप्रिशिएशन वो घटा दो जो बिना रिवैल्यूएशन था, और रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो आपने पैसा निकाला वो भी घटा दो। तो एक क्वेरी आती है सर, क्या डेप्रिशिएशन जोड़ करके मैट कैलकुलेशन में मुझे इनकम टैक्स वाला डेप्रिशिएशन घटाना है? नहीं सर, ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। डेप्रिशिएशन वही जोड़ना है जो बुक्स वाला है, वही घटाना है जो बुक्स वाला है, लेकिन यदि आपने कोई रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दे रखा है तो लॉ कह रहा है उसका इफेक्ट हटा दूंगा। तो जो हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं कि डेप्रिशिएशन जोड़ते और इनकम टैक्स वाला घटाते हैं वो हमें नॉर्मल इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में करना है, मैट कंप्यूटेशन में तो कंपनीज लॉ वाला ही डेप्रिशिएशन काम करेगा। तो ठीक है सर, हमारा डेप्रिशिएशन का इशू भी क्लियर हुआ। एक और इशू, डेफर टैक्स एसेट डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट करना है यदि वो P&L में रखे हैं? तो डेफर टैक्स एसेट P&L के जनरली क्रेडिट में होता है, यदि वो P&L के क्रेडिट में आप उसे घटाइए।
डेफर टैक्स लायबिलिटी पीएनएल के डेबिट में होती है, यदि वो पीएनएल के डेबिट में है तो आप उसको जोड़ दीजिए। तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डेफर टैक्स एसेट डेफर टैक्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट भी अब आपके समक्ष क्लियर है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट सर, मैट की कंप्यूटेशन में जब हम रिडक्शंस करते हैं तो लॉ कहता है सर, लॉसेस और डेप्रिशिएशन अनएब्जॉर्ब व्हिच एवर इज लेस एज पर बुक्स घटाइए मैट की कैलकुलेशन में। ये एक विशेष पॉइंट है सर, विच एवर इज लेस, एक तो ये बोलकर कबाड़ा किया, विच एवर इज लेस यानी दोनों में से एक भी जीरो होगा तो आपको कुछ नहीं मिलना। दूसरी बात जो हमें एज अ सीए एज एन एसएससी ध्यान रखनी चाहिए कि लॉ कहता है साहब लॉसेस एज पर बुक्स, एक्युमुलेटेड लॉसेस एज पर बुक्स और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स विच एवर इज लेस। तो हमने जनरली सर पीएनएल में अब तक लॉस ही कैलकुलेट किए हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन की वजह से हो चाहे अदरवाइज। तो कहना क्या चाहता है लॉ, आप आपके बुक्स के लॉसेस को जो पीछे से आगे ला रहे हैं उनको बाइफरकेट करिए, लॉसेस विच आर बिकॉज ऑफ अदर देन डेप्रिसिएशन मैटर एंड लॉसेस विच आर बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर इन्हें कंपेयर करिए क्यूमुलेटिव फिगर आज तक का, दोनों में से जो भी कम आएगा सर उस फिगर को आपको बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में घटाने दिया जाएगा। तो ये भी सर आपके समक्ष पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा सर कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैट की बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काम में आते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे उन पर भी चर्चा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।